मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, पवन कुमार बंसल जी, अधीर रंजन चौधरी जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अनिल चौधरी जी, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर्स, सीनियर नेता और हमारी पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देश की हालत आपको दिख रही है, देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपसे नहीं छुपाया जा सकता है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, बोलूंगा हल्ला बोल, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। हुआ करता था, सही है, जो निवाला गरीब आदमी लिया करता था, आपको, वो आटा आपको लग रहा है कि कैसे हो गया। नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है, सही है ना? नफरत किसको होती है भाइयों और बहनों? नफरत डर का एक रूप है, जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। और देखने को मिल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो,
सब कुछ, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं दो व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। मीडिया देश को डराती है, नफरत पैदा होता है और फिर पूरा का पूरा फायदा बीजेपी दो लोगों को दे रही है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी से गरीबों का फायदा हुआ, गरीबों के जेब से पैसा निकाला, गरीबों को कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, और फिर कुछ ही महीनों बाद आपने देखा कि जो आपके जेब में से पैसा निकाला गया था, लाखों करोड़ रुपए देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, किसान के खिलाफ तीन काले कानून लाएंगे, कहेंगे कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। अगर किसानों के फायदे के लिए है तो फिर पूरे देश में किसान क्यों खड़ा है, सड़कों पे क्यों उतरा है और आपके खिलाफ क्यों खड़ा है? ये तीन कानून किसानों के लिए नहीं थे, ये तीन कानून उन्हीं दो उद्योगपतियों के लिए थे। और हिंदुस्तान के किसान को यह बात एकदम समझ आ गई, इसलिए हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का किसान सड़क पे आके खड़ा हो गया और उसने नरेंद्र मोदी जी को अपनी शक्ति दिखा दी। और जब नरेंद्र मोदी जी को पता लगा कि हिंदुस्तान के किसान की शक्ति मेरे खिलाफ खड़ी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने वहीं कानून रद्द कर दिए। यही बात जीएसटी के साथ हुई। कांग्रेस पार्टी एक दूसरी जीएसटी लाना चाहती थी, बीजेपी ने जीएसटी को बदला, पांच अलग अलग टैक्स और जबरदस्त चोट जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन पर चोट मारी। और आज हालत क्या है, और यहां स्टेज से बोलना, ये बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि अगर देश चाहता भी है तो देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों भाइयों और बहनों, देश को रोजगार ये दो उद्योगपति नहीं देते हैं, देश को रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं, देश को रोजगार किसान देते हैं, और इन लोगों की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी है। तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे वो इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। और बेरोजगारी जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है, पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर, डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर, सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर, दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर, आटा 22 रुपए केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। भाइयों और बहनों,
हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। तो हिंदुस्तान का आम नागरिक बहुत मुश्किल में है, बहुत दर्द सह रहा है। और जब विपक्ष इन बातों को पार्लियामेंट में उठाना चाहती है तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार विपक्ष को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे चाइना का आक्रमण जो हुआ उसकी बात करना चाहें, बेरोजगारी की बात करना चाहें, महंगाई की बात करना चाहें, हम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। और आप देखिए, यहां हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनका काम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का होता है, मगर ये भी अपना काम नहीं करते हैं। 24 घंटा ये कैसे करेंगे? ये मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों का मीडिया है, पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है, तो सच्चाई कैसे दिखेगी, सच्चाई कैसे सुनाई देगी? और जनता को सब मालूम है, जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी दो उद्योगपतियों का है, अखबार दो उद्योगपतियों के हैं, और ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई और देश का पूरा धन दो उद्योगपतियों के हाथ में, एक तरफ मीडिया का कंट्रोल, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री पे कंट्रोल। अभी किसी ने कहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर उन दो उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मीडिया के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया हो, प्रेस हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, उन सब पर दबाव है, उन सब पर सरकार आक्रमण कर रही है। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, संसद में हम बोल नहीं सकते, तो आप कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे
55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। क्योंकि ये देश संविधान है, ये देश इस देश की जनता की आवाज है, ये देश इस जनता की, इस देश की जनता का भविष्य है, ये देश दो उद्योगपतियों का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है। और आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता। उस देश में अगर आप रोजगार चाहते हो नहीं मिल सकता, अगर आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हो आप नहीं कर सकते हो। उस देश में आपको अपना खून पसीना देना पड़ेगा, और खून पसीना देने के बाद आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरा देश इसी हिंदुस्तान के अंदर 2-3, 10-15 उद्योगपतियों का, अरबपतियों का, उसमें आप जो भी सपना देखना चाहते हो देख सकते हो, जो भी आप चाहते हो आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, इन दो देशों के बीच में लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बांटना है और पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को देना है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश सबका है और देश की जनता जो अपना खून और पसीना देती है उसका फायदा 2-3 उद्योगपतियों को नहीं मिलना चाहिए, उसका फायदा हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, गरीब को, बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। यह फर्क है। और आपने, आप चाहिए, आप आज चले जाइए और किसी भी छोटे दुकानदार से, किसी भी मजदूर से, किसी भी स्मॉलर मीडियम बिजनेस वाले से, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, क्या यूपीए के समय और आज के समय में क्या फर्क है। यूपीए के समय में 70,000 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को दिया बिना पूछे। नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून दिए। मजदूरों के लिए यूपीए सरकार ने एक ऐतिहासिक कानून मनरेगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा गरीबों पर अपमान है। और फिर आज उनको नरेगा देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आज यूपीए का नरेगा नहीं होता हिंदुस्तान में आग लग जाती। जमीन अधिकरण बिल हम लाए, लाखों करोड़ रुपए हमने गरीब जनता को कॉम्पनसेशन में दिला, लाखों करोड़ रुपए, अरबपति बना दिए।
पहले बिना पूछे किसान की जमीन छीन ली जाती थी, हजारों एकड़ बिना पूछे एक मिनट में छीन लिया जाता था। हमने कहा यह गलत है, हम कानून लाए। नरेंद्र मोदी जी ने पहला काम उस कानून को रद्द करने की कोशिश की, उनका पहला काम था। यूपीए के समय आर्थिक प्रगति थी, हम करोड़ों लोगों को हमने गरीबी से निकाला। जितने लोगों को हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला 10 साल में, 27 करोड़ लोग। भोजन का अधिकार, मनरेगा, कर्जा माफी, इन औजारों से हमने 27 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी से निकाला। भाइयों और बहनों, पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी ने 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में डाल दिया है। तो जो हमने काम किया 10 साल में, उन्होंने 8 साल में खत्म कर दिया। और फिर जाके भाषण देते हैं, प्रगति की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान बदल गया। हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी जी पीछे ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, और इससे देश का नुकसान होगा। देश का फायदा हो ही नहीं सकता, फायदा देश के दुश्मनों को होगा, फायदा चाइना को होगा, फायदा पाकिस्तान को होगा, मगर हिंदुस्तान को नहीं होगा। हिंदुस्तान में जितनी भी नफरत फैलेगी, जितना क्रोध फैलेगा, जितना डर फैलेगा, उतना हिंदुस्तान कमजोर होगा। और पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। जो हमारी आर्थिक शक्ति थी उसको खत्म किया, बेरोजगारी 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत से देश मजबूत होता है क्या? कौन सी दुनिया में नफरत, बेरोजगारी, महंगाई से देश मजबूत होता है, देश कमजोर होता है? नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है, हम नफरत मिटाते हैं, हटाते हैं, और जब नफरत मिटती है, खत्म होती है, जब डर कम होता है, तब हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ता है। हमने ये करके दिखाया है, सालों करके दिखाया है। तो ये मैं आपको कहना चाहता था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हिंदुस्तान के लिए लड़ते हो, आप संविधान के लिए लड़ते हो, आप अपना खून, अपना पसीना इस देश को देते हो। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही देश को बचा सकता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश को प्रगति के पथ पर ला सकती है। हमारे लिए सरकार ने, जैसे मैंने कहा, रास्ते बंद कर दिए हैं, पार्लियामेंट का रास्ता बंद कर दिया, संसद में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग भाषण कर ही नहीं सकते, हमारा माइक ऑफ हो जाता है। और किसी भी मुद्दे पे, हम चाइना के आक्रमण पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, बेरोजगारी के बात पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, महंगाई पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते,
वो रास्ता बंद है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, मैंने कहा उन पर आक्रमण है, उन पर दबाव है, तो हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद है, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना, और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। विचारधारा की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और जो हमारे सब विपक्ष की पार्टियां हैं मिलकर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। और अंत में राहुल जी के संदेश के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस प्रण और संकल्प के साथ हम लोग जाएंगे इस देश के अंदर नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ राहुल जी का जो आह्वान है इस मुल्क से उसको मिटाना है, और भारत जोड़ने के संकल्प के साथ कांग्रेस का नेतृत्व ये यात्रा निकालेगा। तो मंच पर आसीन तमाम शीर्ष नेताओं का, आदरणीय राहुल जी का, मैं तहे दिल से दिल्ली कांग्रेस के तौर पर और कांग्रेस परिवार के आधार पर मैं तमाम कांग्रेस जन का और देश देश के कोने कोने से आए कांग्रेस परिवार के साथियों का पुनः अभिनंदन करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस संकल्प के साथ कि राहुल जी का दिशा निर्देश हमें एक नई ऊर्जा देगा और इस सरकार को हम एक बार फिर झुकाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।